The Kashmir file de Oscar aan de vich pura Bollywood hoya khilaf te kar reha hai campaign. Hello, namaste te sat sri akaal. Welcome to the show Film Award. De main haan daddy Savvy leke aayi haan Bollywood te Bollywood diyan kuch khattiyan te michhiyan gallan. भाई बॉलीवुड दे विच काम करदे करदे ना कई लोग एक दूसरे दे दुश्मन ही बन जांदे आ, हो जांदा है इदां, कईआं नूं किसे दा काम रास ही नहीं आंदा कि वह किदां हिट जा रहा, भाई होना ही नहीं चाहिए दा। जी इसे तरह कश्मीर फाइल, जी हाँ द कश्मीर फाइल जिहड़ी कि ये सुनिया जा रहा है कि बहुत ही जल्द ऑस्कर दे विच नॉमीनेशन दे विच ए आएगी फिल्म, लेकिन पूरा बॉलीवुड एरे ते खिलाफ है ते कर रहा है कैंपेन कि इस फिल्म नू ऑस्कर दे विच नहीं आना चाहिए। हुण इहदी की वजह है, खैर ये तो नहीं पता लगा, लेकिन कहा जाता है कि विवेक ते अनुराग कश्यप की आपस दे विच काफ़ी बहस हो गई, उन्हां नू बहस करदे देखा भी गया। तुहानू मैं दस दवां कि विवेक ने अनुराग नूं ट्वीट किया ते क्या कि मैं राजा मौली का बहुत ही वड्डा फैन हाँ, बहुत ही ज़्यादा वड्डा फैन, मतलब उन दिनों दे वो फैन हाँ जो राजा मौली एक सुपर डुपर हिट डायरेक्टर नहीं सी, ते उन्होंने क्या RRR जो ऑस्कर दे विच आएगी तो मैं एक ब्रांड अंबैसडर बन चुका होऊंगा। लेकिन मैं यही नहीं समझ आता कि बॉलीवुड के लोग क्यों कैंपेन कर रहे हैं, किस कारण कैंपेन कर रहे हैं, क्यों मेरे खिलाफ है, तो क्यों नहीं मेरी फाइल नू ऑस्कर दे विच आन देना चाहते। भाई तुसी कौन हो जेडे कि ये डिसाइड कर लो कि केड़ी फिल्म ऑस्कर दे विच आनी चाहिए है ते केड़ी नहीं, ये ज्यूरी का ही फैसला होएगा कि किस फिल्म नू ऑस्कर जो आना चाहिए ते किस नू नहीं आना चाहिए। ते अगे विवेक जी ने ये भी कहा कि मेरिया दो फिल्मां सी जिहड़ियां बॉलीवुड ने अगे आनी ही नहीं दित्तियां, मतलब रिलीज़ ही नहीं होन दित्तियां, हुण उहदा भी की कारण है उहनां नू नहीं पता लगा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर मैं चाहता तो इस गल नू भी बहुत उछाल सकता सी कि बॉलीवुड मेरी दो फिल्मां जिहड़ियां सीगियां वो आन ही नहीं दित्तियां। जी उह फिल्म का नाम है बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम। जी हाँ, बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम जिहड़ी कि बॉलीवुड दे विच रिलीज़ ही नहीं की गई क्योंकि पूरा बॉलीवुड ये खिलाफ हो गया सीगा, लेकिन उहदी वजह हाले तक सामने नहीं आई। तो विवेक जी ने भी यही कहा कि की कारण है कि कोई लोग जिहड़े कि अगे जाते हैं लेकिन उन्हां को चीज़ां बर्दाश्त ही नहीं होंदियां, तो वह पिछे ਕਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਔਸਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਔਸਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਔਸਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ RRR ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ RRR ਔਸਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਔਸਕਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹਿੱਟ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਦ TV NRI ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।